हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइब्रेरी चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो आज की वीडियो है मेरी, ये सेवेंथ पर है, जिसे हम गुलदाउदी कहते हैं और क्राइसैंथेमम भी कहते हैं, ये उस पर है। इसमें मैं आज आपको कुछ केयर टिप्स बताऊंगी और कुछ और ये वैरायटी भी दिखाऊंगी नई नई मेरे पास कैसी कैसी है, और इसके मैं जो सोयल मीडिया वो भी सब बताऊंगी, जैसे इसका ये इसमें इंसेक्ट लगते हैं इसके बारे में बताऊंगी क्या करना है, और फर्टिलाइजर क्या क्या देना है वो भी बताऊंगी, और इसका मीडिया जो सोयल मीडिया है वो कैसा हो वो भी बताऊंगी, और जो भूसी कैसे बनता है ये प्लांट वो भी बताऊंगी। आइए मेरे साथ लास्ट तक बने रहे। और इसमें क्या होता है, ये अगर हमने नर्सरी से प्लांट लिया है तो हमें ये जो है प्लांट हमें देख कर लेना चाहिए, और ये थोड़ा सा भूसी लेनी चाहिए। अगर भूसी नहीं है तो कलर देखो उसमें, और कलर और ये बड़े जो होते हैं ये कई सारे हैं मेरे पास, कई वैरायटी के, मैं अलग अलग बताती हूँ आपको। ये है, ये देखो कितना प्यारा है, इसका कलर भी कितना सुंदर है, और ये बड़ा फूल होता है। बड़ा फूल अगर आप लेना चाहते हो तो बड़े, तो ये 7-8 भी है ना, वो भी बहुत ही सुंदर लगता है। देखो कलर भी कितना प्यारा है इसका, और इसमें बर्ड्स भी कई सारी बनी हुई है। ये अब ये खिल के आएगा तो ये इतने बड़े बड़े फूल है ना, ये इतना भर जाएगा, ये चारों तरफ से, ये यहाँ से ये पूरा भर जाएगा फूलों से। इस तरह का प्लांट भी आप ले सकते हैं। और इसमें मैं कलर दिखा देती हूँ आपको, ये देखो एक मेरे पास इसी वैरायटी का ये येलो कलर है, इसमें तो कम है, अगर इसमें ज़्यादा इस तरह का ले। और ये तो मुझे ये है कि कलर मुझे ये पसंद आ गया था, लेकिन इसमें बहुत हेल्दी प्लांट नहीं था इसलिए मैंने इसको बाय करना पड़ा। तो इसके भी अभी खिलेगी, ये काफ़ी बड़ा हो जाएंगे, अभी बूशी हो जाएंगे अभी। और एक मैं दिखाती हूँ आपको, एक वाइट कलर का लिया है, ये बिल्कुल इतना बढ़िया प्लांट है, फूल इसमें भी छोटे छोटे हैं, देखो अभी पूरे खिले भी नहीं है अंदर से, और इसमें इतना सारा ये बुके की तरह लगता है, जब ये पूरा खिल जाएगा पूरा बुके बन जाएगा। ये देखो ये सारा अभी खिलेगा, ये बल्कि ये मेरे से टूट गया था तो मैंने इसको दोबारा लगा दिया तो ये चल पड़ा। ये देखिए इसमें अभी तो काफ़ी सारी बर्ड्स हैं, ये खिल के आएगी तो इतना बड़ा बुके इतना सुंदर लगेगा। ये मैंने इसलिए किया, ये है छोटा फूल इस पर मगर बहुत ही सुंदर है वाइट कलर का, ये इसको भी जो है आप बाय कर सकते हो। और एक मैंने ये कलर की वजह से, ये छोटे छोटे फूल है इस तरह का प्लांट, ये कलर की वजह से मैंने ले लिया, पिंक कलर है हल्का, मगर ये वाले प्लांट जो है इसको बाय करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि इस पर क्या है इसकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं है, ऐसी थी पहले से, और ये छोटा प्लांट होता है बहुत ज़्यादा, और इस तरह के फूल होते हैं उनमें, तो ऐसे मत लेना। ये जो है फूल तो मुझे प्यारा लगा इसका कलर तो, लेकिन मैंने कलर की ही वजह से लिया है, और वैसे तो ये मैं नहीं लेती अगर कलर होता तो मेरा। और एक मेरा ये है, देखिए इतना सुंदर कलर है, कितने प्यारे प्यारे कलर है। ये जो है खिलते तो फूल कम है, लेकिन ये कम है मतलब इस पर काउंटिंग में, तो मगर ये 8-10 जो भी फूल होते हैं इसमें ये बहुत ही सुंदर होते हैं, इसका कलर भी इतना प्यारा है। और ये अभी देखो ये पूरा जब खिल के आएगा तो इतना बड़ा फ्लावर होता है, तो ये काफ़ी यहाँ तक ये पूरा भर जाएगा, आप इस तरह का भी बाय कर सकते हैं। कलर बहुत प्यारा लगा मुझे, तो ये तीन तो मैंने एक साथ लिए हैं, ये एक ही वैरायटी के, एक ये वाला यहीं पे आया था एक बेचने के लिए, बहुत ही सुंदर लग रहे थे मुझे तो मैंने ये ले लिए। और ये बल्कि मैं नर्सरी से लाई थी, ये मुझे थोड़ा सा ज़रा अच्छा नहीं लगा, और ये भी मैंने बहुत पहले नर्सरी से लिया था, जो यहाँ की ऋषिकेश की नर्सरी है, जो ये सूर्य नर्सरी है काली की घाट पर, ये वहाँ से लिया था। और इस जब मैंने ये लिया था तो इसमें ये कलियाँ भी नहीं थी, ये सोचो, तो मुझे इसको 1.5-2 महीने लिए हो गया, मगर मुझे ये भी नहीं पता था कौन सा कलर, लेकिन हाँ ये मेरा देखो कितना सुंदर है, फिर भी मेरा ये बहुत अच्छा निकला प्लांट। और एक मैंने यहीं पे लिया था, ये देखो ये भी 1 महीने पहले लिया था, तो इसमें ये अलग तरह का है इसका, इसकी देखना फूल की जो इसकी पेटल है इसके कुछ अलग हैं, इसके भी बड़े बड़े हो जाते हैं, अभी ये खिला नहीं है, आधे आधे खिले हैं, जब ये पूरा खिल के आएगा तो बहुत बड़ा फूल है इसका, ये भी सुंदर है, ये भी भरा हुआ है, और ये जब छोटे मोटे सारे खिल जाएंगे तो इसका इतना सुंदर हो जाएगा। ये मेरे से गलती से ये टूट गए, क्योंकि मैं दिखाने के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में यहाँ लेके आई,
तो वो कहीं लग गया इधर उधर, तो इस वजह से इस कच्ची होती है इसकी टहनी एकदम चटक जाती है, तो इसको हमें बड़े संभाल के रखना पड़ता है। और मैंने कुछ घर के भी बनाए हैं, मैं अपने घर के दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये मैंने कटनी से तैयार किया है, अभी इस पर बड्स आनी तैयार हो गई है, बड्स आ गई हैं इस पर। और ये कुछ अलग तरह का है, जो देसी वाला होता है वो है, ये रेड या मैरून कलर है, इसका मैरून कलर है। और ये देखो, ये इस पर चार चार बड्स हैं, जब ये भी अभी मोटी होंगी बड़ी होंगी तो ये भी पूरा भर जाता है। और ये मैंने जो है अपने घर में ही तैयार किया है। इसमें मैंने क्या सोयल डाली है, क्या फर्टिलाइजर डाला है, और क्या इसको जैसे ये लग जाते हैं ये छोटे छोटे इंसेक्ट काले वाले, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह के, तो इस पर क्या डाला है मैंने, तो इसके बारे में भी बताऊँगी। ये दो तीन मैंने बनाए हैं ये, और अभी मेरे छत पर रखे हैं। ये भी काफ़ी भूसी से लग रहे हैं, ये भी अच्छे हैं। अगर हमने इनको भूसी बनाना है तो अब मैं उसके बारे में बता देती हूँ, हमने इसको भूसी कैसे बनाना है। अगर आपके ये निकल गई है, ये जैसी छोटी छोटी कलियाँ, तो उसको तो मत बनाइए। अगर आपके नहीं निकली, तो जैसे ये है इस पर नहीं निकली, इसको हम पिंचिंग करेंगे। मैंने इस पर तीन बार पिंचिंग कर दी है, और इन पर तब ये इतना थोड़ा घना हुआ है, ये वाला देखो काफ़ी घना हो गया है। और इस पर जब फूल आएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे, सारा भरा हुआ मिलेगा। और इसको जो है अगर हम तीन बार भी पिंचिंग कर देते हैं इनको, तो यहाँ भी मैंने कर दिए, और यहाँ मैं कर देती हूँ आपके सामने। ये देखो ऊपर की जो टिप्स होती है, बस हमने ये ही निकाल ली है, दो पत्ते या तीन पत्ते। और इसकी ये पिंचिंग बहुत ज़रूरी, अगर आप पिंचिंग करोगे तो इसमें काफ़ी ये भूसी प्लांट बनेगा, काफ़ी घना हो जाएगा, और फूल भी वो काफ़ी देगा आपको, और प्लांट लंबा भी नहीं हुआ और वो भूसी भी हो जाएगा, तो उस पर फूल जो है वो ज़्यादा बनेंगे। अगर इस पर देखो जैसी ये इस पर इंसेक्ट या एफिड्स जो भी लगता है, या मिली बग जो भी लगता है, इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको क्या डालना है इसमें। जब ये मेरे लग गया था, मैंने दो बार डाला, ये देखो आपको काले काले पास से दिखाती हूँ। ये देखो ये काले काले लग रहे हैं, ये मर चुके हैं इन पर, क्योंकि काफ़ी काले लग रहे थे। मैं इस पर जो है मैंने क्या डाला है मैं आपको दिखाती हूँ। ये फंगीसाइड, कोई भी फंगीसाइड हो आपको जो भी मिल जाए, तो इसको क्या करना है आपने, इसको आधा चम्मच पाउडर है ये, आधा चम्मच एक लीटर पानी में आपको घोल देना है अच्छे से, आपको स्प्रे बोतल में घोल देना है, और उसको अच्छे से चला के मिला के, और फिर इन पर स्प्रे करना है। और तो इससे क्या होगा, और ये जो स्प्रे करोगे आप दो दिन छोड़ के करना है, और ये ज़्यादा ज़्यादा आप तीन बार करोगे इस पर, दो दिन छोड़ के ये सारे मर जाएंगे, मेरे तो मर चुके हैं इस पर। और अब दो बार कर चुकी हूँ मैं, एक बार अभी फिर करूँगी दो दिन के बाद, मैंने कल किया था, एकदम मर के ऐसे चिपक जाते हैं कि वो काले काले ही दिखेंगे बस, और अब दिखाई भी नहीं दे रहे। इन पर सारे पे काले काले थे, अगर हमारे जैसे ये पत्तियाँ आए नीचे, तो उसको उठा उठा के तब इसको हम इससे जो है स्प्रे करेंगे, तो ये सारी जो है पत्तियाँ, उनका कोई भी नुकसान नहीं होता, ना फूलों का नुकसान ना पत्तियों का नुकसान, मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, मैंने इसी को यूज किया, इस वाले को, इस फंगीसाइड को यूज किया, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं दो बार डाल चुकी हूँ देखो। और अब इसमें आप जो है खाद कैसी डालोगे, खाद इसके लिए या तो ये NPK होता है, 19-19 आता है, 26-26 आता है, 18-18 आता है, जो भी आपको मिले। एक लीटर पानी में उसको एक ग्राम, बस ज़्यादा नहीं, एक या दो ग्राम उसको पानी में डिजोल्व करो, घोल लो उसको स्प्रे बोतल में, और उसको ऊपर से ही उसका जो है लिक्विड फॉर्म में उसको खाद मिलती रहेगी। उससे क्या होगा, ये बड्स भी मोटी हो जाएंगी, और ये लीव्स भी अच्छी रहेंगी, हरी ग्रीन रहता, और उसको लिए उसकी जो है फूल वगैरह वो सब अच्छे आएंगे, उस पर घने भी आएंगे और मोटे भी आएंगे, और वो मरेंगे भी इनसे। और एक मैं आपको एक खाद और बता देती हूँ, ये सरसों खली जो होती है मस्टर्ड की, ये भी बहुत अच्छा रहता है आजकल जो विंटर वाले प्लांट हैं। तो आपको क्या करना है, एक लीटर पानी में 100 ग्राम पाउडर फॉर्म में लीजिए, 100 ग्राम मस्टर्ड केक लीजिए सरसों खली, और उसमें जो है पानी में आप उसके घोल दीजिए, और वो इसके लिए बेस्ट रहेगी। वो उसको हमें ना सोयल में ही देना है, बस खाली ऐसे पानी पानी की जगह हमने उसको ही देना है, और किसी चीज़ को नहीं देना है खाद को, और तो बहुत ही अच्छा रहेगा वो, बहुत ही अच्छा रहता है खाद उसका। और इसकी मैं आपको जो है
सोयल मीडिया बता देती हूँ इसका मैं कैसे बनाओगे। जो सोयल मीडिया है उसका एकदम ये बेल ड्रेन होना चाहिए और वो अच्छा रहता है। जो बेल ड्रेन होगा पानी नहीं रुकेगा उससे और पेड़ भी आपका प्लांट भी बहुत अच्छा चलेगा उसमें। और ये क्या होता है, ये जो प्लांट है ये सन लविंग प्लांट होता है, इसे कम से कम 5-6 घंटे की धूप मिलेगी तो ये फूल भी ज़्यादा देगा और बड़े बड़े फूल देगा। इसको क्या करना है, इसकी मिट्टी कैसी बनानी है उसको और मैं बता देती हूँ। आपने कैसा सोयल मीडिया तैयार करना है, इसमें एक जैसे ये एक पार्ट सैंड, एक पार्ट मिट्टी, एक पार्ट कोकोपीट, एक पार्ट लीफ कंपोस्ट। अगर लीफ कंपोस्ट नहीं है तो आप उसको काउ डंक ले लो या दूसरा वर्मी कंपोस्ट ले लो। लेकिन इसके लिए जो सेवंती प्लांट के लिए जो ये लीफ कंपोस्ट होती है ये सबसे बेस्ट होती है। इसमें पेड़ काफ़ी अच्छा सर्वाइव करता है, और नहीं है तब वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं। और एक गमले में 6 इंच के गमले में आप एक मुट्ठी नीम खली ले लीजिए, वो भी इसमें बेस्ट रहता है, उसमें खाद भी बनता है और इसमें पत्ती में फूल में उसमें साइन भी रहती है, वो भी बेस्ट रहता है। ये सब बस आप तैयार कर लीजिए इसका सोयल मीडिया और आपके इतना सुंदर प्लांट भी चलेगा। और इस बार तो मैंने कम ही बनाए, 4-5 ही बनाए हैं गमले इसके अपने से, लेकिन मैं अगली बार जो बनाऊँगी काफ़ी सारी एक रो पूरी तैयार करूँगी, कम से कम 15-20 गमले अपने ही कटिंग से। ये सारी कटिंग अगर मेरी बच जाती है तो मैं इनसे सभी से करूँगी। और ये इसमें जो है पानी जो है अगर ये जब सूख जाए बस इसमें तभी देना, वो लिक्विड वाला खाद जो NPK का है या ये वो पानी NPK का तो ऊपर से ही देना है इसमें स्प्रे से, और जो हम नीम खली देंगे वो नीचे इसमें देना है। बस इसके ये केयर टिप्स यही है, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं नीचे लग जाती हैं जैसे मिट्टी में, उससे भी फंगी जो है फंगस लग जाती है, उसको भी हमने निकाल देना जैसे यहाँ से नीचे से टच हो रही है मिट्टी में इस तरह से, तो इसको हमने क्या है इसको निकाल देना है, नहीं तो इसमें फंगस का अटैक बहुत जल्दी होता है, वो नीचे से जो है पत्ती से नीचे से बहुत जल्दी पकड़ जाता है। बस यही इसके केयर टिप्स थे, और अगर आप ये केयर टिप्स फॉलो करोगे तो आपका प्लांट भी बहुत अच्छा रहेगा, हेल्दी भी रहेगा और कोई भी उस पर फंगस या कुछ भी अटैक नहीं होगा और वो चलता भी रहेगा, मरेगा भी नहीं।